जयपुर एसीबी ने ज्योति नगर थाने के हेड कांस्टेबल को 5000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। आरोपी हेड कांस्टेबल राजवीर सिंह थाने में 5000 की रिश्वत ले रहा था। डिप्टी आहत खान ने बताया कि परिवादी हेमंत वर्मा ने आरोपी हेड कांस्टेबल के खिलाफ शिकायत दी थी, जिसमें बताया गया था कि पीड़ित ने इंटरकास्ट मैरिज की है। इस संबंध में उन्होंने हाईकोर्ट में परिवार की ओर से परेशान न करने को लेकर याचिका लगा रखी थी। वहीं इस मामले में कई बार आरोपी हेड कांस्टेबल परिवादी के घर जाता और उन्हें धमकाता रहा है। साथ ही इस एवज में आरोपी कई बार पीड़ित से रिश्वत भी ले चुका है, जिसके चलते परिवादी की शिकायत का सत्यापन कर एसीबी ने आरोपी को रिश्वत लेते धर दबोचा। फिलहाल मामले की जांच जारी है। मुख्यालय पर परिवादी हेमंत वर्मा है, वो आए थे। उन्होंने उनकी धर्मपत्नी, इनका इंटरकास्ट मैरिज था, तो साल भर पहले शादी करके सेटल है, रह रहे थे। लेकिन इन्होंने हाईकोर्ट से है जो परिवारजन परेशान नहीं करें या थाने वाले परेशान नहीं करें, इस संबंध में कोई पिटिशन लगाया था, तो उसकी जांच के नाम पे ज्योति नगर थाने का हेड कांस्टेबल राजवीर सिंह ये जब चाहे इनके रेजिडेंस पे पहुंचा था, जहाँ किराए के मकान पे रहते थे, और वहाँ इनको धमका करके कभी 5000 रुपये, कभी 10000 रुपये इस तरह टॉर्चर कर रहा था। तो परेशान होकर के ब्यूरो मुख्यालय आए थे, जहाँ पर अधिकारियों ने इस कार्रवाई की जाँच और सत्यापन के लिए हमें दिया गया था जयपुर ग्रामीण यूनिट को। इस पर हमने इस मामले का कल सत्यापन कराया तो ये बात सही पाई गई और आरोपी ने कल इससे 5000 रुपये की डिमांड की थी, जो आज आरोपी द्वारा इसको थाने पर बुला करके प्राप्त किए गए। इस पर राजवीर हेड कांस्टेबल को ट्रैक किया और फर्दर कार्रवाई कर रहे हैं।